हेलो एवरीवन जैसे कि अकाउंट्स का पोर्शन चेंज हुआ है ना ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का ये फर्स्ट ईयर है अकाउंट्स का पोर्शन का फॉर न्यू पोर्शन अब देखो उसके अंदर पहले क्या था दो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल पार्टनरशिप अकाउंट्स और उसके बाद फाइन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स अब ये टॉपिक दोनों क्या हो चुके हैं मर्ज हो चुके हैं और एक्चुअली कुछ टॉपिक वैसे ही नहीं जस्ट नाम के लिए वो अलग था बाकी तो ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं तो एक्जैक्टली वो सेम टॉपिक तो है ही लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना इस बार लेवल बहुत इंक्रीज हुआ है बहुत सारी नई चीज़ें हैं जैसे पार्टनर्स के बारे में जो कमीशन जो होता है वो सब पोर्शन में पहले इतना नहीं पूछा करते थे और था भी नहीं इतना तो कैलकुलेशन आपको इंटरेस्ट मतलब पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स है उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है तो मेरे हिसाब से पोर्शन देखने के बाद लेवल मुझे लगता है कि जो सम्स के लेवल है उसमें इंक्रीज किया गया है ठीक है अब देखो जो नोट्स आप भी वेट कर रहे थे नए पोर्शन का मैं भी कर ही रहा था वेट तो तो जैसे ही पोर्शन आया देखो आपके लिए नोट्स का काम शुरू हो चुका है और नोट्स के काम आपके सामने एक रहा जैसे फाइनल अकाउंट्स जो एडजस्टमेंट होते हैं तो आप देखो ये एक मैंने एडजस्टमेंट को क्या किया क्लासीफाई कर दिया इस तरीके से तो एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये आपको चार्ट के फॉर्म में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरे पूरे आगे के और भी टॉपिक्स हैं हम उसको कंसाइज करने के लिए और बहुत इजी वे में कलरफुल एट्रेक्टिव चार्ट्स पे काम ऑलरेडी शुरू है तो अब ये देखो एडजस्टमेंट इतने इंपॉर्टेंट है आपने फाइनल अकाउंट्स इलेवेंथ स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है क्लियर है तो अब देखो नॉर्मल जनरल एंट्रीज़ के बिना तो अकाउंट सॉल्व होने वाला ही नहीं है तो मैं ऐसे कोई अलग तरीके से कोई ये नहीं करूँगा कि जनरल एंट्री गायब कर रहा हूँ ठीक है ये चीज़ ज़्यादा समझने की कोशिश करो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ ये चार्ट के अंदर क्या होने वाला है आपको समझना है और मैक्सिमम एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से इसमें से कुछ छूटेगा नहीं अगर बाई चांस गलती से एक दो कुछ हुआ तो वो वाला चीज़ें मैं आपको करेक्शन करवा दूंगा बाकी तो नज़र में आया मेरे बाकी तो ऐसे ही कुछ निकलेगा नहीं तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले क्लासिफिकेशन में आपको इतना तो पता है एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं दो लेकिन कभी कभी क्या होंगे वो एडजस्टमेंट इफेक्ट तो दो ही होंगे डेबिट और क्रेडिट पर अमाउंट में फर्क हो जाएगा मतलब कभी डेबिट के एक इफेक्ट होंगे क्रेडिट के दो होंगे क्लियर है या तो क्रेडिट के तीन डेबिट का एक तो मतलब डिपेंड कैसे क्या चल रहा है या तो डेबिट का दो क्रेडिट का एक इफेक्ट लेकिन अमाउंट में डिफरेंस होने वाला नहीं है एग्जैक्टली सेम अमाउंट होते सॉरी एक्जैक्टली सेम अमाउंट होने वाला है ठीक है अब मेरी बात जरा समझने की कोशिश करो जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके एडजस्टमेंट इसी के साथ पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ और आगे के टॉपिक्स भी इतने सिंपल होंगे आपको इसी से पता चल जाएगा क्या लेवल होने वाला है टीचिंग का आगे आप सीए फाउंडेशन में भी जाओगे तो ये उसका बेस बन रहा है आप इतना समझ के चलो ठीक है जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है और जो लोग पहली बार इंट्रैक्ट होने वाले थ्रू दिस तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एफ़र्ट्स लेने वाले हैं यहाँ पर हमारे साइड से तो आपको भी इतने एफ़र्ट्स रखने हैं तो हमारा गोल है हंड्रेड में से हंड्रेड लाना अकाउंट्स के अंदर ठीक है तो चलो तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम सिर्फ क्या करेंगे इसके अंदर पार्ट वाइज पार्ट आराम से एडजस्टमेंट खत्म करेंगे सबसे पहले देखो क्या है जनरल एडजस्टमेंट और एक होता है हिडन एडजस्टमेंट यहां पे मैं टॉप में आपके लिए लिख हूँ जनरल अब ये लिखो नहीं लिखो यार कुछ फर्क नहीं पड़ता एंट्रीज जो है वो तो हमको पढ़नी पड़नी है अब जरा समझो मैंने मैंने कैसे क्लासीफाई किया इसको आप देखोगे ना कोई भी बुक्स में आपको जनरल एंट्री लिखी हुई देखेगी नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री ऐसे करके कम से कम थर्टी थर्टी जनरल एंट्रीज बन जाएगी और वो आपको याद करना है पहला इफेक्ट इधर जाता है दूसरा इफेक्ट इधर जाता है तीसरा इफेक्ट को छुआ तो ये उधर जाता है उसको पांच पांच बार लिखो उसको ये करो यहां पे आपको बिल्कुल भी वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है सिंपल लॉजिक और दिमाग से अपने आपको आप को बातें करनी कि ये इधर ऐसा ऐसा तो मेरे को आपको थॉट थॉट प्रोसेस प्रोसेस डेवलप डेवलप करवाना करवाना है क्या करवाना है क्या और कैसे होगा इस तरीके से होगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट के अंदर मैंने क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन गुड्स अभी गुड्स क्या होता है गुड्स के अंदर जो बिजनेस है जिस पर्टिकुलर कमोडिटी में डील करता है वो उसके लिए क्या बन जाता है गुड्स बन जाता है जैसे मैंने क्या किया हुआ है मैंने यहाँ पे पीसी से मेरे पास बराबर है तो पीसी खरीदा मैंने तो इसका मतलब क्या मैं पीसी बेचता हूँ क्या नहीं वो मैंने मेरे पर्पज़ के लिए यूज़ किया है लैपटॉप मेरे पर्पज़ पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है या तो बिजनेस में यूज़ हो रहा है क्लियर है लेकिन मैं उसका डीलिंग नहीं करता हूँ मैं उसमें सेल परचेस नहीं करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने मशीन खरीदूंगा लैपटॉप या पीसी दो तीन जितना स्टाफ है उससे आगे मैं खरीदने वाला हूँ क्या नहीं आप जाके विजय सेल्स जो दुकान है आप वहाँ पे जाते हो देखोगे विजय सेल्स जो इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है इतने सारे ब्रांचेस है मुंबई में उसके तो उसके अंदर क्या हो रहा है बहुत सारी टीवी खरीदे बराबर है लैपटॉप्स अवेलेबल है कैमराज अवेलेबल है मोबाइल अवेलेबल है होम एम्प्लाइस अवेलेबल है तो मैं भी तो ये सब चीज़ें खरीदता हूँ क्लियर है कि नहीं है तो क्यों विजय सेल्स गुड्स क्लासिफाई करेगा क्यों मैं उसको अपने पर्सनल एसेट्स या तो बिजनेस एसेट्स काउंट सॉरी बिजनेस एसेट्स एसेट सॉरी बिजनेस एसेट काउंट करूँ क्यों ऐसा बताओ मेरे को जरा अरे बाबा मैंने वो यूज करने के किया है विजय सेल्स उसको सील करने के लिए प्रॉफिट कमाने वाला है क्लियर है कि नहीं तो उस पर्टिकुलर गुड्स के बारे में हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और एग्जाम्पल मैं आपके लिए रखता हूं एक ही रखता हूं दैट इज कौन सा विजय सेल्स क्लियर अब सोचो फाइनेंशियल ईयर अब मेरे को बताओ हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स ले रहे हैं दैट इज क्या नाम है ठीक है मिनट ठीक है अब ये जो शॉप है ये खरीदती है प्रॉफिट कमाने के लिए बेचते हैं आगे मैं खरीदता हूं और यूज करता हूं और अगर खराब होगी चीजें या तो रिपेयर करवाता हूं या तो क्या करता हूं बेच देता हूं जो पैसा आया उससे नहीं अगर इंपॉर्टेंट है तो नई चीज ले लेता हूं क्लियर अब मेरी बात सुनो अब हमको जैसे पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2000 कोई भी जो आपका ईयर चल रहा है अभी चलेगा जैसे कि ले लो 19 और ये खत्म कब होगा थर्टी फर्स्ट थ्री टू क्लियर है मतलब ये नाइनटीन ट्वेंटी की बात करो पिछले साल का जो फाइनेंशियल था नाइनटीन ट्वेंटी था अब का अब कौन सा चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो फाइनेंशियल इस हिसाब से क्या होता है डिनोट होते हैं अब मेरे को एक बात बताओ जब थर्टी फर्स्ट मार्च अभी जस्ट थर्टी फर्स्ट मार्च गया ना कौन सा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी का इसका फाइनेंशियर तो नाइनटीन ट्वेंटी था क्लियर है कि नहीं उसको इस तरीके से बोलोगे दैट इज नाइनटीन ट्वेंटी अब मेरी बात समझो ये जो थर्टी फर्स्ट मार्च को जो डेट गया जितने भी स्टॉक्स विजय सेल्स के दुकान पे थे जितना भी माल बच गया था उस दिन सेल नहीं हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च को उसके बाद क्या किया विजय सेल्स ने क्या किया होगा सब जितने भी गुड्स थे सबको क्या कर दिया बेच दिया उसी दिन जो भाव में आया बेच दिया और एक तारीख के लिए नया स्टॉक ऑर्डर कर दिया और एक तारीख से बेचना चालू कर दिया क्या ऐसा कभी होगा पॉसिबल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला है मेरी एक कपड़े की दुकान है थर्टी फर्स्ट मार्च को जितना भी लास्ट का होता है लास्ट का चार घंटा आठ से बारह सील पूरा दुकान खाली करना है बराबर है लास्ट के आधे घंटे बच चुके हैं कोई खरीदने भी नहीं आया तो लोगों को पकड़ पकड़ के ये लेके जाओ ये लेके जाओ भाई क्लोजिंग स्टॉक अरे भाई क्लोजिंग करना है मेरे को बंद करना है फाइनेंशियल ईयर नया ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है कुछ नहीं होता है सिर्फ डेट चेंज होगी वैल्यू जो होगा क्लोजिंग स्टॉक का वो अगले दिन क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक क्लियर है अब मेरे को एक बात बताओ ना आपके पास तीन अकाउंट है बनाने के लिए फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपने इलेवंथ में भी बनाया पहला ट्रेडिंग दूसरा क्या बनाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तीसरा क्या बनाओगे आप बैलेंस शीट अब यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो आप कंसर्न का अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के आपके पोर्शन में नहीं है तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं तो ट्रेडिंग अकाउंट है अब उसके अंदर क्या होगा जितने भी गुड्स के रिलेटेड चीजें होंगी वो कहां पे होने वाली है ओनली इन ट्रेडिंग अकाउंट जैसे डेबिट साइड में क्या होगा गुड्स लाने के लिए जितने भी खर्चे हुए वो कहां पे जाएंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या होगा ओनली सेल्स क्लियर मतलब सेल मतलब कि सेल्स हुआ तो गुड्स निकले हैं तो गुड्स जैसे भी निकलेंगे क्रेडिट साइड क्लियर है मैं आता हूं उस पर आप टेंशन मत लो तो अब जरा समझो इसके साथ साथ हम ट्रेडिंग अकाउंट भी खत्म कर लेंगे तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं अब क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहां पर होगा ट्रेडिंग अकाउंट चलो एक काम करते ट्रेडिंग अकाउंट अभी देख लेते हैं तो एक और बार आपका हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट ये मैंने आगे भी कवर किया हुआ है मैं सिर्फ आपको परफॉर्मा ये बताता हूं लेजर ताकि आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं यहां पे ठीक है आप देखो यहां पे क्या आएगा यहां पे गुड्स कम्स इन मतलब परचेस और क्या हो रहा है यहां पे प्रोसेस मतलब जो भी चीजें आप परचेस करोगे या तो आप क्या करोगे उसको गुड्स को लाने के बाद उसको क्या करोगे प्रोसेस करोगे क्लियर तो वो सब चीजें भी कहां पे आएगी आपकी डेबिट साइड कहां पे आएगी डेबिट साइड आगे मैंने ये वाला पूरा का पूरा कवर किया और टेंशन मत लो ये सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं इतना ही मतलब बिजनेस में गुड्स लाने के लिए जो जो चीज़ें खर्चे हो रही है डेबिट बिजनेस से गुड्स जाने के लिए जो जो हो रहा है खर्चा या जिस वजह से गुड्स बाहर जा रहे हैं वो कौन से साइड आएंगे क्रेडिट साइड तो ये चीज़ आपको बेसिकली यहां पे इतना सा ही ध्यान रखना है आपको तो देखो एंट्रीज आपकी कैसे खत्म होगी अब जरा देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा था सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ठीक है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है गुड्स आया तो डेबिट मेरे को सिर्फ इतना बताना मैं तो गुड्स लाने के लिए प्रोसेस के लिए डेबिट और गुड्स किसी भी वजह से बाहर जा रहे दैट इज तो इसके लिए मेरे को आपको ये परफॉर्मा इन्वाइंस बताना था और कोई रीजन नहीं है ये मैंने आगे नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला पूरा का पूरा कवर किया हुआ है अब हम आ जाते हैं हमारे चार्ट पे. ठीक है, जैसे कि आपने ट्रेडिंग देखा अभी क्लोजिंग स्टॉक गुड्स बचा है तो गुड्स के रिलेटेड बचा है मतलब क्या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन साइड जाएगा वो क्रेडिट साइड सबसे पहला इफेक्ट देखो ये रहा। मैं आपको इफेक्ट वन इफेक्ट टू भी आपको याद नहीं कराने वाला हूं मैं आपको सिंपल लॉजिक के बेस पे बताऊंगा क्या लॉजिक जस्ट अभी हम देखते हैं ठीक है trading account, क्रेडिट साइड अब आ जाते हैं हम यहाँ पे हमारे जो लेजर बनाया हुआ है आप भी इस तरीके से लेजर बनाओगे मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ आप क्या करो लेजर बना लो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या बना लो बैलेंस शीट बना लो इसके अंदर तो फिलहाल सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही यूज होने वाला है और ज़्यादा कुछ नहीं है तो वो हम कंप्लीट करेंगे एक, एक एक एंट्री को हम देखेंगे कैसे जाता है और आप यहाँ पर कोई नंबर्स वगैरह डालोगे मैं एग्जाम्पल बताऊँगा उधर ही बाकी जगह पर हम लोग एक्स रखेंगे एग्जाम्पल नंबर ले लो व एक ही बात है तो देखो एक एक एडजस्टमेंट हम किस तरीके से समझ रहे हैं मैंने अब तक आपको ट्रेडिशनल वो एंट्रीज बताई नहीं कि डेबिट ये क्रेडिट ये सिंपल लॉजिक

ओपनिंग स्टॉक अब यहाँ पे तो आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि हाँ सर क्या बोल रहे स्टार्टिंग में सर बराबर बोल रहे कि ओपनिंग स्टाइड हो ओपनिंग स्टॉक होगा अब क्लोजिंग स्टॉक बचा है एंड में बच गया है एंड में बची हुई चीजें एंड में ही आएगी तो क्रेडिट साइड में आप यहाँ पे क्या लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है जो भी होगा क्लियर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा ये चीज तो होनी होनी है क्लियर है तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ये रहा ठीक है अब मेरे को बताओ बैलेंस शीट का मतलब वहां पे आप क्या रखते हो लास्ट डे पे जो जो चीजें आपको बची हुई है आपके एसेट है या तो जो जो चीजें आपको किसी को पे करनी है लाइबिलिटी है बेसिक क्लासिफिकेशन तो यही है बैलेंस शीट का तो गुड्स बचे हैं तो ये एसेट है तो इसका इफेक्ट आप कहां पर पास करोगे आप एसेट साइड आओगे एसेट साइड में दस से बारह लाइन आपको छोड़नी है और नीचे आपको क्या लिखना है नीचे आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक बस यहाँ पे टू बाय कुछ भी होने वाला नहीं है लाइन बना देता हूँ मैं ठीक है चलो तो यहां पे क्या लिखोगे दस बारह लाइन छोड़ के लिखोगे आप क्लोजिंग स्टॉक कितना सिंपल है तो फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट आपका हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड पर जगह देख ये आगे सम करेंगे उधर आपको काम आने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट का कितने जगह पे क्या लिखा क्योंकि हम एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करते हैं क्लियर है क्यों करते हैं क्या करते हैं सबका समय आएगा सही टाइम पर सब चीजें आपको धीरे देर धीरे पता चलती रहेगी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले जो चीज़ है आप ये दोनों एडजस्टमेंट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते आपको इसको साथ में पढ़ना पड़ेगा अब सबसे पहले देखो इंश्योर गुड्स डिस्ट्रॉयड डैमेज और स्टोलन एंड इंश्योरेंस क्लेम या तो गुड्स का नुकसान हुआ है पहली बात तो यहां पे समझो उसके अंदर दो क्लासिफिकेशन या तो गुड्स क्या होंगे इंश्योर्ड होंगे क्लियर है या तो क्या होंगे अन होंगे क्लियर है या तो गुड्स क्या होंगे इंश्योर्ड या तो क्या होंगे अन इंश्योर्ड मतलब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है कंपनी को अगर कुछ लॉस हो जाता है तो कंपनी क्या करेगी आपको रियम्बर्स करवा देगी ये चीज होगी कहां पे इंश्योर्ड गुड्स की बात होगी अन गुड्स मतलब क्या आपका नुकसान हो चुका है आप जाओ इंश्योरेंस कंपनी के पास हमारा को इंश्योरेंस क्लेम चाहिए बोलेंगे टाटा बाय बाय जब हमारा एजेंट आपके पास आया था आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी क्या नहीं ली थी तो अब हमारे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और कोई आने वाला भी नहीं है ठीक है अब यहां पे समझो अगर इंश्योर किया हुआ है तो मेरी बात समझो ये एंट्रीज पे पहुंचने से पहले यहां पे ध्यान दो मेरे पास एक एग्जाम्पल समझो जो विजय सिल्स की हम बात कर रहे थे क्या हुआ वहां पे एक एक पर्टिकुलर उनके ब्रांच में क्या लग चुकी है आग लग चुकी है बराबर है वहां पे मेजर्स तो सब लिए गए थे उनके द्वारा जो भी फायर जो भी होता है सब कुछ था लेकिन आग लग चुकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है अब वहां पर आग लग चुकी है मतलब क्या हुआ गुड्स का नुकसान अब इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है अपने आप क्या करेगी ऑब्वियस बात है इंश्योरेंस तो करवाएगी करवाएगी तो उधर कितने का गुड्स था समझ सो वन करोड़ रुपीस का जो गुड्स थे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान थे वो क्या हो चुके पूरे के पूरे आग में पूरे के पूरे ड्यू टू फायर क्या हो चुके डैमेज या तो क्या हुआ है डिस्ट्रॉयड ठीक है डैमेज या गलती से कुछ माल खराब आया हुआ है या डैमेज हो चुके हैं टू नेचुरल कैलेमिटीज बारिश हुई उनका क्या था स्टोर थोड़ा ग्राउंड लेवल के ग्राउंड लेवल पे था पानी भर गया वो खराब हो गया कहाँ से चोरी हो चुकी है या आग लग चुकी है जो भी चीजें हो नुकसान हुआ है और इंश्योरेंस हुई है तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो उसमें से दो केस बनेंगे ये सेकेंड वाला भी आप साथ में ही समझ जाओगे इंश्योरेंस कंपनी आएगी इंश्योरेंस कंपनी अपने जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको भेजेंगे वहाँ पे बकायदा क्या होने वाली है वहाँ पे इंक्वायरी होगी क्या हुआ कैसे आग लगी है क्या हुआ कुछ ह्यूमन निग्लीजेंस तो नहीं है कि जानबूझ के आग लगा दी गई है तो वो सब चीज़ें चेक की जाएगी उसके बाद उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितने पैसे बनते हैं उसके हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे तो कंपनी क्या बोलती है जो इंश्योरेंस कंपनी है कि हम यहाँ पर नाइन्टी लैख तक का क्लेम मानते हैं कितना नाइन्टी लैख तक का तो सेल्स क्या करेगा कुछ नहीं कर पाएगा नाइन् लैक्स का ले लेगा या तो कभी कभी क्या होता है फुल वैल्यू इंश्योरेंस नहीं होती है तो वो सब चीज़ें मैथ्स के अंदर आपको पता चलेगा कभी टॉपिक होगा तो फिर होगा टेन लैख मतलब टेन लैख रुपीज़ क्या है ये लॉस कंपनी बैर कर रही है क्या कर रही कंपनी लॉस बैर करेगी क्यों बैर करेगी क्योंकि इसका इंश्योरेंस का पैसा मिला नहीं है नाइन्टी लैक्स रुपीज़ कौन देगी इंश्योरेंस कंपनी देगी कौन पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी ना तो ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है और टेन लैक्स का तो क्या हो चुका है लॉस हो चुका है ये लॉस कैसे हुआ क्योंकि हमको विजय सेल्स मतलब विजय सेल्स को कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है अब यहां पर एक चीज समझो दो तरीके का नुकसान हुआ है पहला एक करोड़ के जो गुड्स थे वो अब नहीं रहे मतलब एक्चुअल फिजिकल गुड्स का नुकसान हो चुका है वो सब चीजें क्या हो चुकी है राख बन चुकी है पूरा को पूरा वेस्ट हो चुका है आगे उसको सेल करके पैसे नहीं आ सकते मतलब सबसे पहले एक चीज निकालो गुड्स तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट से निकलेंगे पहली बात तो वो पूरे के पूरे एक करोड़ रुपए के तो देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा है फुल वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड तो ये आपको रिवीजन के लिए काम आएगा बाद में अब फिलहाल समझो एक चीज तो सिंपल लॉजिक गुड्स निकले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में तो गुड्स निकले हैं एक बात तो क्लियर है कैसे निकले, निकले है बाय सेल्स निकले हैं तो चुपचाप लिखो ना यहाँ पे क्यों टेंशन लेते हो बाय सेल्स लिखो बाय सेल्स जितने का भी सेल्स होगा इनर कॉलम लेस रिटर्न ये हम लिख देंगे क्लियर अब अगर कुछ होता है तो मैं एक लाइन रखता हूं नहीं तो हम बाहर ले लेंगे लेकिन ये गुड्स सेल नहीं किया है ये गुड्स हुआ है लॉस ड्यू टू फायर तो मेरे को यहां पे लिखना पड़ेगा बाय बाय गुड्स लॉस बाय फायर ये एक्चुअल गुड्स का नुकसान हुआ है कितने का नुकसान हुआ एग्जाम्पल लिया था ना मैंने दैट इज वन करोड़ रुपीज पूरे के पूरे गुड्स क्या हो चुके जल चुके अब मेरे को बताओ अब आपको जैसे पता ही ये स्टार्टिंग का फोर्टी परसेंट आप क्या रखते हो ट्रेडिंग अकाउंट रखते हो नीचे का सिक्सटी परसेंट क्या रखते हो और पी एन एल रखते हो तो मैं भी वही फॉलो करूँ कुछ अलग तो सिखाऊंगा नहीं आपको तो ये चीज़ क्योंकि आपने इलेवन्थ में पढ़ा है बराबर है अब ये हो गया बाय गुड्स लॉस बाय फायर ये कौन सा नुकसान मैंने एंट्री पास की है ये वाली एंट्री पास की टॉप पे अब नाइन्टी लैक्स इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है कौन देने वाली है इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है दिया है क्या अब तक नहीं दिया नहीं है अब तक देने वाली एक क्लेम एडमिट किया यस विजय सेल्स हम तुमको 90 लैक्स रुपीज देंगे आपका नुकसान हो चुका है आपने इंश्योरेंस लिया था हमसे तो 90 लैक्स देंगे तो चलो ना पहुंचते हैं यहां पे अब ये होगा एसेड क्लेम उन्होंने एडमिट किया पैसे दिए नहीं है तो क्या लिखोगे यहां पर अमाउंट या तो अमाउंट या तो ऐसे लिख दो अमाउंट मिनट तो ऐसे लिख दो इंटरेस्ट क्लेम रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ये तो वर्डिंग्स तो हम अपने हिसाब से कोई चेंज होते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं इंटरेस्ट क्लेम रिसिवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कितना 90 लैक्स रुपीस अब आप बोलोगे सर आपने क्लोजिंग स्टॉक के नीचे क्यों लाइन छोड़ी क्योंकि संडी डेटस का कुछ एडजस्टमेंट आएगा कैश इन एंड कैश एंड बैंक तो वो आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम बाद में जब सम करेंगे तब पता चलेगा तो ये हमको यहां पे मतलब इन शॉर्ट एसेट में लिखना है ये चीज क्लियर हो गई कि नाइन्टी लैक्स रुपीज़ मिलने वाले एक चीज आप देखो ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ निकला एसेट तो डेबिट तो ये नाइन्टी लैक्स आने वाले अभी भी दस लाख बचा है तो जो मैं बताता क्रेडिट दो डेबिट इफेक्ट हुए यहां पे तो दूसरा दस लाख का नुकसान कौन बैर करेगा विजय सेल्स बैर करेगा कुछ भी चीज बैर होगी प्रॉफिट का इफेक्ट करेगी वो कहां पे जाएगा पीएनएल तो आप वहां पे क्या लिखोगे पीएनएल आपको लिखना होगा क्या लिखोगे डेबिट साइड टू लॉस फायर कितना अमाउंट लिखोगे टेन लैक्स रुपीज अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हो यहां पे क्या है गुड्स लॉस बाय फायर ठीक है यहां पे क्या है गुड्स लॉस बाय फायर और यहां पे क्या है लॉस बाय फायर ये लॉस बाय फायर है ना ये रुपीज का लॉस आपने पास किया है ये है ना गुड्स तो ये आपने देखो स्पेसिफाई किया है यहां पे किसका स्पेसिफाई किया है यहां पे गुड्स का तो यहां पे जो पास हुआ है ये किसके बारे में पास हुआ है गुड्स के बारे में पास हुआ है क्लियर है अब सोचो ऐसा होता इंश्योरेंस निकाला हो, निकाला ही नहीं था कंपनी ने तो यहां पे ये एंट्री आप पास ही नहीं करते यहां पर कौन सा इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस लिया ही नहीं तो कौन सा क्लेम मिलेगा तो यहाँ पे जो आपने दस लाख लिखा था यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वन करोड़ रुपीस क्या बुक करना पड़ेगा लॉस बुक करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखो ये वाले में मैंने समय लगाया है क्योंकि बाकी के आपके देखो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो एक बार आप क्या करते हैं आप इतना लिख लो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ठीक है इस तरीके से रखता हूँ मैं आप देख लो पूरा लिख लो और ये प्लीज़ बनाना इसको ऐसे ही रखना तो जब आप रिवाइज करोगे तो चार्ट साथ में ये इधर तो आपके दिमाग में ना एक पिक्चर मेमोरी बन जाएगी तो आपको कभी भी आप भूलोगे नहीं एडजस्टमेंट आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतने सारे एडजस्टमेंट कैसे होंगे आपने अब आप तक वो जनरल इंट्री ट्रेडिशनल फॉर्म है दिस डेबिट दिस क्रेडिट येस ये वही चीज़ है कुछ अलग नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ प्रेजेंटेबल करने का तरीका आपको अलग बता रहा हूं समझने के लिए और कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है जनरल एंट्री के बिना तो सॉल्व होने ही नहीं वाला है कोई चीज़ है क्लियर आप इतना लिख लो पक्का चलो बढ़े आगे अभी नेक्स्ट अब देखो इसी को मैं वापस से बता दू फुल वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड यही हमने किया नेट लॉस पी एन एल डेबिट साइड में कितना नेट लॉस हुआ और शो अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल इन द बैलेंस शीट रिसीवेबल कहाँ पर एंट्री के पास करोगे इन बैलेंस शीट एसेट साइड तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई तो ये रहा यहाँ पर और ये आपने पास किया नेट और ये आपने क्या किया एक्चुअल गुड्स की वैल्यू पास की तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो क्या लिखोगे ये यहाँ पे गुड्स के बारे में डिस्क्राइब किया आपने यहाँ पे आपने पे रुपीज के बारे में नुकसान बोला है और ये बैलेंस शीट में जो मल, मिलने वाला है ना किससे इंश्योरेंस कंपनी से उसके बारे में बात किया अब यहाँ पे देखो अन इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड और डैमेज और स्टोलन तो ये चीज़ क्या है फुल वैल्यू ऑफ अन इंश्योर गुड्स एज गुड्स लॉस बाय फायर डैमेज थेफ तो यहाँ पे देखो था एक ही चीज है फायर और ये सब चीजें मैंने दोनों एक में ही कवर कर दी है तो आप यहाँ पे अगर डैमेज हुआ तो गुड डिस्ट्रॉयड लिखो कैसे डिस्ट्रॉयड हुआ वो लिख देना गुड डैमेज गुड स्टोलन तो उधर तो वही हुआ नीचे लॉस बाय फायर लिखा था गुड्स डैमेज लॉस बाय डैमेज किस लिए रीजन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो वो आप लिख देना तो बात तो वही है तो यहाँ पे देखो फुल वैल्यू ऑफ अन इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर डैमेज थेफ चोरी हुई है डैमेज हुआ है फायर हुआ है तो बात तो वही हुई, हुई और ये भी ट्रेडिंग क्रेडिट साइड क्योंकि गुड्स निकला है बराबर ना तो ये चीज आपकी कवर हो गई यहां पे ये डैमेज एक मिनट ये जो बात हो रही है ना फायर डैमेज ये दोनों एक ही है कुछ आपको डिफरेंस क... यहां पे रखने की जरूरत नहीं है देख लो यहां पे डैमेज डिस्ट्रॉयड बराबर है स्टोलन और क्या है यहां पे आपके बारे में मैंने बात की पे, फायर की बेसिकली डिस्टिंग तो तो करोड़ का एक दोगे तो ये इस तरीके से आपका हुआ। आपको बाद में पूरा का पूरा चार्ट लिखने के लिए समय दूंगा आप टेंशन मत लीजिए फिर क्या है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अब आपने कभी कभी नोटिस किया होगा आप अब अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कभी कभी ऐसे भी आपको मिलता है मैं एग्जाम्पल न्यूज़ पेपर का ले रहा हूँ कभी कभी एडवर्टीजमेंट होती है नया शैम्पू आया मार्केट में या कोई नया उन्होंने क्या किया कुछ ट्राई किया हुआ है एक्सपेरिमेंट जो आपको बताना है तो वो क्या करते हैं नए पैकेट्स आपके सेशे जो होते हैं उसमें चिपका देते हैं या कभी ग्रीन टी का कोई फ्लेवर आपको टेस्ट करवाना हो तो अच्छा खासा टी के बारे में डिस्क्राइब किया होगा कंपनी ने और टी उसके अंदर टी बैग्स उसके साथ क्या कर देंगे चिपका देंगे छोटा सा एक या दो आपको फ्री दे देंगे कॉफ़ी कभी कभी आती है तो आप क्या कर उसको यूज़ करो अच्छा लगा तो मार्केट से और ले लो दैट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल पहली बात गुड्स निकले हैं अपार्ट फ्रॉम सेल तो आपको क्या बनेगा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल तो ये तो क्रेडिट साइड में पहुंचोगे कहां लिखोगे अब मैं ये हटा देता हूं ठीक है यहां पे आप क्या लिखोगे सबसे पहले बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ठीक है गुड्स निकल जा चुके अब ये जो खर्चा हुआ है ये एडवर्टीजमेंट प्रमोशन एक्सपेंस है तो ये खर्चा है तो ये पे पे बुक करोगे यहां पे तो बात हुई किसकी गुड्स की बात की आपने अब रुपीस की एंट्री पास करनी है गुड्स निकले खर्चा हुआ है ना उसके पीछे पैसा उसके पीछे कुछ भी आया नहीं है तो आप क्या लिखोगे अभी यहां पर टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना जो आपका गुड्स जितने का आपने क्या किया हुआ डिस्ट्रीब्यूट किया है, उतने का क्या हो गया आपका खर्चा जैसे एग्जांपल लेना एक लाख का माल आपने बेचा एक लाख की कॉफी के शेषे एक लाख न्यूज़पेपर में बेचे गए लगा के एक एक एक, एक, एक रुपए के छोटे से तो वो यहाँ पे एक लाख रुपये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया देखो यहां पर यही चीजें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करवाई है आपको गुड्स शो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड गुड्स के रिलेटेड है शो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एड इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इफ एनी मतलब पहले से कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो उसके अंदर ये वाला अमाउंट एड कर देना नेक्स्ट गुड विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर सेल्फ यूज सेल्फ कंजम्शन के लिए उसने विड्रॉ किए तो क्या लिखोगे गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर सिंपल ना गुड्स निकले अब आप देखो होशियार बनते जा रहे हो धीरे धीरे तो आप यहां पे क्या लिखोगे बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर क्लियर इतने के गुड्स पार्टनर ने ले लिए और पार्टनर का क्या होगा दो मेथड है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग तो फिलहाल हम नॉर्मल रखते हैं कुछ नहीं है पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर ए पार्टनर बी लेस गुड्स विदड्रॉन और यहां पे भी क्या लिखोगे लेस गुड्स विद्रॉन क्लियर अब मेरे को बताओ अभी उसकी खुद की दुकान है खुद वहां पे दो पार्टनर काम करते हैं तो वहां से सामान लेंगे कि दूसरे के पास से जाके लेंगे वहां से लेंगे ना सामान और क्या करेंगे उनका जो पैसा हिस्सा था उसमें से वो लेस कर लेंगे रुपीज नहीं लिया उसकी जगह पे उन्होंने गुड्स ले लिए तो उनका पार्टनर का कैपिटल जो बचा है उसमें से वो पैसे निकाल लेंगे क्लियर है कैसे अभी उन्होंने पैसे नहीं लिए यहाँ पर क्या लिया है गुड्स तो हमने क्या कर दिया गुड्स के पैसे इनके हिस्से काट लिए दोनों के पास से तो ये एंट्री समझ रहे हो आप कैसे आपने याद किया तो जितने भी गुड्स निकल रहे हैं ना सब कुछ देखो एक ही साइड पर बराबर लास्ट में मैं रिकैप कराऊंगा तो आपको याद भी करवा दूंगा से अब नेक्स्ट एक लास्ट बचता है पहले रीड कर लेते हैं शो गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड तो हमने क्या कि किया यही किया डिडक्ट द अमाउंट ऑफ गुड्स विडड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ठीक है और करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट ये मेथड के ऊपर होता है फिक्स मेथड या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड वो आपको नॉर्मली पता है कैसे करते हैं हम के में भी इसको कवर करेंगे अनयूज्ड स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टेशनरी या कोई स्टॉक बच गया है प्रिंटिंग स्टेशनरी यहाँ पे कॉमन नेम है मैंने एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ पोस्टेज एंड स्टेशनरी रखा है तो कोई भी चीज़ का स्टॉक बच जाता है कोई भी चीज़ का स्टॉक बच जाता है मतलब क्या ये चीज़ें स्टॉक में आप खरीदते हो जैसे आप सिंपल बताता हूँ मैं आप आप जहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो वो आपके लिए क्या करते हैं एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए आपके लिए क्या बनाते हैं अपना प्रिंटिंग प्रिंटिंग करते हैं ना उनके सप्लीमेंट्स उस पर आपके कॉलेज का नाम लिखा होता है तो आपको क्या लगता है वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करते हैं फिर फोन करते हैं कल एग्जाम है बच्चों का आप इतने भेज दो बच्चे लोग एग्जाम लिखने वाले वो बंडल का बंडल खरीदते हैं और एक्जैक्टली काउंटिंग क्या होता है एस्टीमेट के बेस पे होता है उनके एक्सपीरियंस के ऊपर लेकिन कुछ ना कुछ तो बच जाता है वो करंट ईयर के

ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीदे गए नॉर्मल स्टॉक के लिए इसके लिए बेस्ड ऑन मैंने गुड्स में रखा है मतलब अब यहां पे टू पोस्टेज ठीक है यहां लिया एक्सपीरियंस ना टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी खर्चा हुआ है वन लाख रुपीज का एक लाख रुपये का क्या हुआ है खर्चा लेस अनयूज्ड स्टॉक कितना बचा है पांच हजार रुपए का गुड्स बच गया तो करंट ईयर में खर्चा कितना हुआ नाइन्टी फाइव थाउजेंड पांच हजार जब बच गया ना वो अगले साल यूज होगा अप्रैल में से ओपनिंग स्टॉक की तरह ही हो गया ये क्लियर तो अब आप यहां पे जाके क्या लिखोगे स्टॉक ऑफ पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितना पाँच हज़ार रुपया तो बोलने का मतलब ये है कि आपके एक्सपेंस एक लाख रुपए थे वो गलत था क्यों क्योंकि पाँच हज़ार आपने यूज़ नहीं किया इस फाइनेंशियल ईयर में वो आप अगले साल यूज़ करोगे तो यहाँ से उसको लेस कर दिया कहाँ पे पीएनएल के डेबिट साइड से कंसर्न एक्सपेंस में तो यहाँ पे कंसर्न एक्सपेंस क्या था प्रिंटिंग स्टेशनरी या पोस्टेज स्टेशनरी क्लियर है अब यहाँ पर आप पहुँचे आपने उसको क्या कर दिया एसेट साइड में उतना सा स्टॉक रख दिया क्लियर है तो इसके साथ देखो आपका पूरा का पूरा एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन गुड्स पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं आपको समय देता हूँ मैं आप पूरा का पूरा लिख लो आराम से इतना रखता हूँ मैं आप लिख लो पहले इस तरीके से चार्ट बनाना तो ये और ये कंटिन्यू है ना पाँच छः पेज अलग ही रखना ही है या तो हो सके तो वाइट पेपर आपके पास हो तो उसके अंदर बनाओ अलग से पेज में लिखो अच्छे से और वो चैप्टर के साथ स्टार्टिंग में रखो तो रोज़ जब आप चैप्टर चालू करो आपको ये रिवाइज़ करना है इसके साथ साथ जो पीछे मैंने बनाया ना वो भी आपको रखना है तो इसके हिसाब से आप नोट्स बनाओ ठीक है आप इतना लिख लो फिर मैं आपको लास्ट में रिविजन कर रहा था पांच मिनट लगेगा ठीक है अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग से रिवाइज कर दे गुड्स क्लोजिंग स्टॉक गुड्स जितने भी बचे बचा है ना गुड्स के रेलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बचा है एसेट है एसेट साइड इंश्योर गुड्स इंश्योरेंस किया हुआ है अच्छी बात है सबसे पहले कितने गुड्स का नुकसान हुआ है एक करोड़ का नुकसान हुआ है लेकिन गुड्स निकले ना गुड्स की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आया नहीं है ना जा रहा है क्रेडिट साइड और नुकसान हुआ है कितने का नुकसान हुआ है दस लाख का नुकसान

गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल फ्री सैंपल निकले है ना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और उसके रुपीज का खर्चा पीएनएल अकाउंट में एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पार्टनर ने पैसे निकाले खुद पार्टनर है खुद की दुकान है खुद का कंपनी है गुड्स निकाल रहा है अपने लिए यूज कर रहा है अपने घर वालों के लिए यूज कर रहे हैं गुड्स तो निकले हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड कौन लेके गया है पार्टनर लेके गया है किससे पैसे वसूल करोगे पार्टनर से वसूल करोगे क्लियर है गुड्स अनयुर्ड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पोस्टेज या जो भी बसता है कंसर्न एक्सपेंस वो स्टॉक आपने यूज किया हुआ नहीं है उसको आप क्या करोगे कंसर्न एक्सपेंस में से लेस करोगे क्योंकि करंट ईयर के खर्चे में जाने वाला नहीं है उसका उसको कहां पे ले लोगे बचा है ना आगे, आगे आप यूज करने वाले क्लोजिंग स्टॉक में जैसे स्टॉक बचा था नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर यूज करोगे नेक्स्ट ईयर प्रिंटिंग स्टेशनरी में यूज करोगे बचा हुआ स्टॉक स्टेशनरी यूज करोगे उसके लिए कहां पर जाएगा एसेट साइड तो देखो आपको सिंपल लॉजिक से बेस्ड ऑन गुड्स आपका पूरा का पूरा क्या हुआ है कंप्लीट हो गया है ठीक है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो उनको भी बताओ आप भी पढ़ाई कर रहे हो उनको भी पढ़ाई शुरू करो समय बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़ शेयर करो फ्रेंड्स के साथ और ख़ुद भी पढ़ो नोट्स बनाना शुरू करो ये लिखना है आपको साथ में ये भी लिखना है तो ये मैं रख लेता हूँ जिन्होंने नहीं लिखा होगा दो मिनट रखता हूँ मैं पूरा का पूरी एसेट साइड है पूरा का पूरा पहले ट्रेडिंग अकाउंट पी अकाउंट में जो भी इफेक्ट्स थे आपके पास हैं अगर क्लासीफाई करने के लिए मैं बीच में ये रख देता हूँ तो आपको पता रहेगा ये जो भी चीज़ है नीचे वाला क्या है पी एन एल का है. तो ये रहा आपके लिए और लास्ट में मैं चार्ट भी दिखा दूंगा आपको दो मिनट के लिए रख दूंगा क्लियर चलो और ये हो गया बैलेंस शीट ठीक है और यहाँ पे आपका एक्सपेंस क्या होगा कंसर्न एक्सपेंस लेस हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा क्लियर ठीक है अब मैं चार्ट रख दूँ आपके लिए